नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका टीवी न्यूज में। राजस्व अधिकारी के न्यायालय में यदि प्रकरण लंबित मिलते हैं तो इसका आशय यह है कि राजस्व अधिकारी का पटवारी पर नियंत्रण नहीं है। यह बात कलेक्टर भास्कर लक्षाकार ने जिले में संचालित राजस्व महाअभियान की प्रगति की समीक्षा के दौरान कही है। इस दौरान कई तहसीलदारों के वेतन रोकने के भी निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने बैठक में विशेष रूप से नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन प्रकरणों के निपटारे की समीक्षा की। कलेक्टर द्वारा राजस्व कार्यों में विशेष प्रगति नहीं पाए जाने पर तहसीलदारों को खास तौर पर फटकार लगाई गई। कई तहसीलदारों के वेतन वृद्धि रोकने के भी निर्देश जारी कर दिए गए। कलेक्टर के बिंदुवार राजस्व कार्यों की समीक्षा की गई। सीमांकन प्रकरणों की समीक्षा में कलेक्टर में विलपांक नायब तहसीलदार मनोज सैलाना, तहसीलदार कन्नौज नामली, तहसीलदार शर्मा के प्रति विशेष रूप से नाराजगी व्यक्त की है। कलेक्टर ने यह कहा है कि शासन द्वारा आप लोगों को समस्त सुविधाएं प्रदान की गई हैं, फिर भी आप लोगों के द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है, यह अत्यंत आपत्तिजनक है। वहीं कलेक्टर द्वारा SDM ग्रामीण त्रिलोचन गौड़ को भी विशेष रूप से मॉनिटरिंग के लिए कहा गया। नामांतरण के प्रकरणों में बाजना तहसीलदार मृगेंद्र सिंह तथा सैलाना तहसीलदार कन्नौज द्वारा कार्य नहीं करना पाया गया। वहीं रतलाम शहर में पश्चिम भाग तहसीलदार संदीप इब्ने द्वारा भी कार्य नहीं किया गया। वहीं बड़ावदा तहसीलदार ताल तथा आलोट तहसीलदार द्वारा भी कार्यों के निपटारे में रुचि नहीं ली गई। कलेक्टर ने राजस्व कार्यों में अपेक्षित प्रगति लाने के लिए सभी SDM को निर्देशित किया है कि वे अपने तहसीलदारों तथा पटवारी से कार्य लेने के लिए सतत सक्रियता बरतें। बैठक में जिले के राजस्व अधिकारी उपस्थित थे एवं कई अन्य राजस्व अधिकारी BC के माध्यम से जुड़े थे, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने इस बैठक में अपनी सहभागिता प्रदान की।